गोपालगंज जिले के शिक्षा भवन में जिला शिक्षा पदाधिकारी संघमित्रा वर्मा ने ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। छात्र छात्राएं भी काफी खुश दिखे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से राज्य के छात्र छात्राओं का ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से क्रॉसवर्ड अभ्यास सत्र प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छात्र छात्राएं BACB ऐप इंस्टॉल कर ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा देकर बेहतर प्रदर्शन कर पुरस्कार पाते हैं। इस प्रतियोगिता का परिणाम समिति ने जारी कर दिया है, जिसमें जिले के 10 छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है। छात्र छात्राओं की सूची बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई गई। सफल हुए छात्र छात्राओं के लिए एक बैग और किताब भी पुरस्कार के रूप में भेजा गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा भेजे गए पुरस्कार को जिला शिक्षा पदाधिकारी संघमित्रा वर्मा ने अपने कार्यालय में सभी 10 छात्र छात्राओं को बुलाकर दिया। पुरस्कार पाकर छात्र छात्राएं काफी खुश दिखे। 7 छात्रों को ये प्राइज दिया गया है, क्रॉसवर्ड ये हुआ था, तो ये 16 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच में हुआ था। उसमें 10 बच्चे का भी ये हुआ है, जिसको मैं प्रस्तुत किया। तो किस तरह का ये कॉन्टेक्ट किया गया था, कैसे ये हुआ था? ये ऐप के माध्यम से हुआ था। अच्छा, बच्चों ऑनलाइन ये किया गया था कंपटीशन की व्यवस्था। अच्छा, तो बेहतर प्रदर्शन, हाँ जो बेहतर प्रदर्शन किए हैं उन बच्चों का सिलेक्शन ये विद्यालय परीक्षा समिति से सूची आई है। तो ये विभाग की तरफ से पुरस्कृत किया गया है या बिहार विद्यालय? नहीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के, ठीक, वहाँ से प्राइज आया है। करने के लिए मैंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एक ऐप द्वारा डाउनलोड किया गया। उसमें बच्चे अपना क्विज प्रतियोगिता दी है, उसमें जो सबसेट किए हैं हर जिला में 10-10 बच्चों को देना है। हमारे जिला में 10 लड़के सिलेक्ट हुए हैं, उसी को यहाँ मैडम के स्तर से पासिंग बच्चों में दिया गया, ताकि उनका उत्साह बढ़े, बहुत ही विकास बढ़े उनको, इसके लिए ऐसा किया गया। तो ये सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ऐसा किया है। बच्चों में भाषाई ज्ञान को बहुत ही कुशलता विकसित करने के लिए ऐसा उन्होंने जारी किया है। परीक्षा होगा और उसमें भी जो मैंने अच्छे सबसे बच्चे करेंगे उसको पुरस्कार दिया जाएगा। अभी हर मैंने जिला में 55 शिक्षक का भी आया है, उसमें कुछ पारितोषिक आया हुआ है, मैंने उन लोगों को भी देना है। तो ये जो परीक्षा दिया था लोग, ये कौन सा स्तरीय था? इस समय बोर्ड से ही हुआ है, जिला स्तरीय ही था ये। अब जिला स्तरीय आएगा, उससे भी क्वेश्चन बोर्ड से ही आएगा। ये जो पुरस्कृत किया गया है ये कौन सा विद्यालय स्तरीय था कि जिला? मैंने जिला स्तर से है, इंटर सिलेक्शन बोर्ड से ही किया गया, यहाँ से नहीं, बोर्ड से ही आया, 10 बच्चों का बोर्ड से ही आया। तो जिला विद्यालय जिला में होगा, विद्यालय स्तरीय था ना ये? अब विद्यालय स्तरीय था, अब जिला स्तर से होगा। यहाँ जितने बच्चे सिलेक्शन करेंगे फिर परीक्षा देंगे, जो उसमें सबसेट करेंगे उसको फिर पुरस्कृत किया जाएगा। जिला से नाम बता दीजिए मोहन प्रसाद जी, माध्यमिक शिक्षा। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम बिहार सरकार द्वारा पुरस्कृत हुए हैं, और हम आगे भी ऐसे होना चाहते हैं, और जो स्टेट लेवल पे भी जाना चाहते हैं, और इसी तरह से आगे जाना चाहते हैं। तो क्या प्रक्रिया रही है आपको इसमें यहाँ तक पहुँचने में? जब हमें इस ऐप के बारे में पता चला तो हम, किस तरह का ऐप था? BACB क्रॉसवर्ड, ये एक प्रतियोगिता की तरह का ऐप है। इस पे बिहार सरकार द्वारा रोज 3:45 पे एक क्वेश्चन आता है जो पजल टाइप का होता है, उसका आंसर देना होता है, और सही आंसर देने पे हमें स्कोर मिलते हैं, और उस स्कोर के हिसाब से हमें चुना जाता है। और इसी तरह मैं हर रोज़ क्वेश्चन का आंसर देते हुए आगे बढ़ी, और स्कोर मतलब कि जो हम अचीव करते हैं और फिर आगे बढ़ें। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? और ऐसे जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी ऐसे ही आगे बढ़ना है, और स्टेट लेवल तक जाना है हमें। नाम बताओ। नीतिका कुमारी, और घर जामो बाजार।